Hello and welcome to Champions of Akash, a one-of-a-kind initiative that's all about bringing out the success stories of top performers of this year's NEET exam. Ek aam student ek champion kaise banta hai? Uske piche ki kahani, uske piche ki mehnat, yahi aap tak lana hai Champions of Akash ka maksad. We're starting with the story of Abdul, who overcame his initial average performance just with the right guidance and of course family support to come out tops in this year's NEET exam. So let us all welcome Abdul from Varanasi. So Abdul, first of all, congratulations for such a terrific performance in NEET today. How does it feel? Itni mehnat, finally result dekhke kaisa lag raha hai? Thank you ma'am. Ma'am, I feel very relaxed and thought that ki 2 saal ki mehnat tha, it paid off well. So Abdul, tell me, जैसे मैंने बोला कि एक चैंपियन के बनने के पीछे सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है, राइट? तो जो आपका सक्सेस है, उसका श्रेय आप किन लोगों में बांटना चाहेंगे? मैम, आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल माय फैमिली मेंबर्स, एंड देन आई वुड से द आकाश फैकल्टी एंड मोस्ट प्रोबेबली, एंड देन मैम द टेस्ट पेपर्स दैट द फैसिलिटी दैट मेक देम, मैम इट वाज एब्सोल्युटली. Now tell me, when you chose Akash, I'm sure your parents must have researched well, right? Yes, gone to different institutes. Aisa kya hai jo aapko laga ki yahan pe alag hai aur mujhe yahi se aage ki guidance leni chahiye? Well, what made it stand out for you? Well, ma'am, I would say that my sister that just completed her MBBS, ma'am, she was studying in Akash. So she stated that ki nahi, ये अगर बनारस में नहीं पूरे इंडिया में सबसे अच्छा अगर तुमको करना है तो आकाश में ही जाओ, सबसे सही है. यहाँ तुमको अच्छी गाइडेंस भी मिलेगी और अपना तुम नीट में सही भी कर सकते हैं. ओके, एंड ऑल द चिल्ड्रन हु नीड सम काइंड ऑफ प्रोफेशनल गाइडेंस, लेट्स से दे वांट टू गो टू एन इंस्टीट्यूट लाइक आकाश, एंड दे वांट टू सी देम वेयरिंग अ वाइट कोट इन फ्यूचर जस्ट लाइक यू वांट टू, व्हाट आर द की थिंग्स दे शुड लुक फॉर in a platform to help them? Ma'am, I would say कि मतलब कि एक अच्छा network होना चाहिए कि मतलब और एक बहुत कि मतलब results तो होने चाहिए कि मतलब कि हाँ इन्होंने की हुई है कि एक AIR 1 भी प्रोड्यूस बार बार करते हैं तो एक रहता है. और फिर मैम इनका जो टीचर्स का एक्सपीरियंस भी और बहुत अच्छा होना चाहिए. और मैम आई वुड से कि मतलब जो आकाश के पेपर्स हैं मैम, आई थिंक सो बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बनाए जाते हैं और आई लव द पेपर्स दैट आई यूज्ड टू गिव मैम. इट वाज एब्सोल्युटली अवेसम. कांग्रेचुलेशंस फॉर अचीविंग सच अ माइलस्टोन. सो मेरा ये क्वेश्चन है कि इतने सारे रिसोर्सेज होते हैं, लाइक आकाश की तरफ से भी बहुत सारी मॉड्यूल्स मिलती हैं एंड क्वेश्चन बैंक्स मिलते हैं एंड मोर ओवर NCERT भी होती है, स्कूल का भी मैनेज करना होता है, तो फिर समवॉट कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि कैसे कैसे करना है. तो आपने कैसे वो कन्फ्यूजन दूर करी थी? देखो, NCERT तो एकदम टॉप है. NCERT तो आपको मतलब कि वो तो फिंगर टिप्स पे होनी ही चाहिए. NCERT पढ़िए, मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगाते रहिए और ज़्यादा सोर्स के पीछे मत भागिए, एक लिमिटेड सोर्स रखिए क्योंकि आपको पता है कि उतने ही से ही आना है. ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है. जितना आपको एक दो हो सकते हैं कि नीट में मतलब कि एक क्वेश्चन आ जाए, लेकिन वो भी NCERT से डायरेक्टली लिंक्ड ही हो. तो एक एक क्वेश्चन से परेशान होने से अच्छा है कि आप जो बल्क क्वेश्चन है उसके ऊपर जाइए, बाकी सारे वो भी होते जाएंगे. तो और जितने क्वेश्चंस की बात करें तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस मोर देन इनफ है. सर के नोट्स भी आपके नीट के आपको हमको तो लग रहा है JEE भी आपका उससे हो जाएगा आराम से. कंग्रेचुलेशंस अब्दुल भैया. जैसे कि मेरा भी एक डाउट था, हमारे स्कूल में जैसे प्री बोर्ड्स के क्वेश्चन चल रहे होते, प्री बोर्ड्स एग्जाम चल रहे होते हैं या हम अपना कुछ रिवाइज़ कर रहे होते हैं, उस टाइम आकाश में 11th रिवाइज़ हो रही होती है, हमें अपना भी कुछ पढ़ना होता है, तो इतनी सारी चीज़ें आपस में क्लैश कर जाती है, तो उसे कैसे हैंडल करा जाए? देखो, अपनी एक प्रायोरिटी बनाओ कि इस टाइम अब जैसे कि बोर्ड सब आ रहे हैं तो अब तो तुम सब कुछ तो नहीं ले जा सकते हो, थोड़ा थोड़ा कर सकते हो कि कभी कभी एक दिन हफ्ते में एक दो दिन निकाल लिया 11th के लिए. अपनी एक बेस बना लो, एक हायरकी बना लो कि नहीं ये ज़्यादा रहेगा, ये उससे कम, ये उससे कम. बोर्ड्स सामने हैं, इंग्लिश है और अपना एक जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो ज़्यादा पढ़ो, 12th पढ़ो और फिर उसके बाद एक हायरकी की तरह 11th पढ़ो, लेकिन सब लेके चलो, कोई छोड़ना नहीं. आपसे मेरा ये सवाल अब्दुल, थोड़ा विस्तार से मुझे बताएं कि आपकी इस जर्नी में आकाश का क्या रोल रहा? मैम, आई वुड से कि आकाश का एक बहुत बड़ा रोल रहा. इतनी आकाश ने इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हम लोग को दी हैं, इतने अच्छे टीचर्स और इतनी अच्छा कंसल्टेशन
और मैम आई वुड से कि आकाश का एक माइंड मैप आया था मैम लास्ट मंथ में, इतना आप एनसीईआरटी नहीं जा सकते तो मैम, लेकिन आपको करनी है, टाइम कम है लेकिन कंटेंट ज़्यादा है। तो मैम एनसीईआरटी मैप वॉज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स एंड आई वुड से मैम आकाश के टेस्ट पेपर्स आउटस्टैंडिंग एंड मैम द DLPs एंड मैम कभी कभी कुछ क्वेश्चन फंस जाते हैं तो मैम तुरंत करने के लिए मैम आकाश का एक ऐप हुआ था मैम, अगर कोई क्वेश्चन फंसता था तो उसको स्कैन करके तुरंत हम लोग को आंसर आ जाता था मैम, इट वॉज वेरी हेल्पफुल। यस मैम एंड दीज एंड मैम आई वुड से कि आकाश के जो मॉड्यूल्स होते थे मैम उसमें क्वेश्चंस मैम बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहते थे मैम, इतने कि मतलब कि आई थिंक मैम कि नीट के जो कॉन्सेप्ट वाइज में पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके अगर मॉड्यूल सिर्फ थॉरली लगा लेंगे तो। Thank you so much, Abdul, for responding to that. And my last question, and this question is on the behalf of every NEET aspirant here and all the NEET aspirants who are watching you there. Agar aapko ek advice dena ho NEET aspirants ko apne experience se, what would that advice be? Ma'am, I would say ki apne mein ek confidence rakhiye ki haan, agar humne 2 saal mehnat ki hai, to haan, hum log NEET mein achha prepare karenge. Aur I would say ki ma'am, आप रोज़ हर बार मेहनत नहीं कर सकते हैं, इतना एक कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, डिसिप्लिन रखेंगे तो आपका जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। आई थिंक दैट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर एवरीबडी हु इज़ आउट देयर एंड एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग यू देयर। अब्दुल, मेनी कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड आई एम श्योर यू विल बी वेयरिंग द वाइट कोट सून एंड मे यू ऑलवेज स्टे द चैंपियन दैट यू ऑलरेडी आर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। That was Abdul's story, but make sure you do watch all the other stories of Champions of Akash on the platform. Thank you for joining.